पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इतनी ही रात्रि, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग आते हैं। इनका कुल समय चारों युगों का 43,20,000 होता है। और ब्रह्मा जी का अब इस 43,20,000 को मान कर यदि कैलकुलेशन करें तो गिनती बंद हो जाएगा, नहीं आ हमारे को, इसलिए इनको फिर चतुर्युगों में ले लिया। 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर इसी प्रकार इससे 7 गुना विष्णु जी की आयु, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी। फिर विष्णु जी से 7 गुना फिर शंकर जी की आयु, शिव जी की आयु और उसकी भी मृत्यु होगी। ऐसे जो शिव जी मरेंगे उसमें 49 बार ब्रह्मा मर चुके होंगे और वर्तमान की जो आत्मा ब्रह्मा जी की है वो अन्य योनियों में चली जाएगी अपने कर्म आधार पर, और उसमें 7 विष्णु मर चुके होंगे, उनकी भी अन्य योनियों में आत्मा चली जाएगी और नए अच्छी आत्माओं में से नए ब्रह्मा और विष्णु ये काल अपनी पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके और उनको युवा रखता है, तैयार रखता है कंपनी में, इनके मरते ही उनको रख देता है। और फिर 49 बार विष्णु की मृत्यु के बाद एक तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, काल के पुत्र शिव की मृत्यु होगी, और उस ऐसे 70,000 बार शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सर्वपुरुष यानी इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म की मृत्यु होगी। अब ये कहता चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में गीता जी में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। अब ये कैसे जन्म अलौकिक है, यहाँ मृत्यु होगी, मरते समय पूरे ब्रह्मांड में आग लगेगी और दुर्गा भी मरेगी और ये भी मरेगा और सबके शरीर ऐसे जलेंगे, क्योंकि इनका शरीर हमारे से काफ़ी मजबूत मटेरियल का है, तो उसमें 11 सूर्य और आ जाएंगे सौर मंडल में घूमते घूमते एकदम इक्कठे हो जाएंगे। 21 सूर्य की कितनी होती है और 11 सूर्य और बिल्कुल निकट आ जाएंगे, उसमें इतनी भयंकर आग लगेगी जो पटाखे से फूटेंगे, सब पृथ्वी ये सभी तत्व नाश में आएंगे। केवल उसमें इनका शरीर भी काल का यानी सर्वपुरुष का और दुर्गा का शरीर भी बुरी तरह जलेगा, ये भी हाहाकार मचाएंगे, बहुत बुरा हाल, बुरी तरह रोएंगे। परमेश्वर के विधान अनुसार ये दोबारा सभी प्राणी, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इसके पास और वहाँ इन दोनों का, वहाँ जाते ही परमात्मा का विधान है, पूर्ण परमात्मा ने विधान बनाया है, वहाँ जाते ही इन दोनों का युवा शरीर पुनः मिल जाता है, दुर्गा और इस काल का। फिर उसी तरह से फिर नए ब्रह्मांड की शुरुआत ये फिर से करते हैं। अपुनात्मा
अब ये इसकी जन्म मृत्यु का पता लगा सर्पुरुष, अब अक्सर पुरुष इसकी मृत्यु कैसे होती है। जैसे एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ 70,000 बार त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और ब्रह्म की मृत्यु हुई सर्पुरुष की, ये एक युग माना जाता है। किसका? अक्षर पुरुष का, एक युग। और ऐसे 1,000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, इसमें चतुर्युग नहीं आता। ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेशन में चतुर्युग है और अक्षर पुरुष की आयु की जो गणना करते हैं इसमें चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1,000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि। और इसका प्रमाण कहाँ लिखा है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में। उसमें चतुर्युग नहीं है, मूल पाठ में इन्होंने अज्ञानता से वहां ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट, और ब्रह्मणे का अर्थ, क्योंकि यहां ब्रह्मणे का अर्थ अक्षर पुरुष लिया जाएगा क्योंकि यहाँ आयु की कैलकुलेशन है, इसकी सीमा है, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म नहीं कह सकते यहाँ अर्थ इसका। और वहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म उस पूर्ण परमात्मा के लिए ये ब्रह्म ने शब्द प्रयोग होता है। तो अनुवादकर्ताओं ने 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये भी यहाँ भी गलती कर रखी है, चतुर्युग लिख दिया और ब्रह्मा का की आयु बता दी, नहीं। अब 1,000 युग जो बनते हैं ऐसे एक ब्रह्मांड के विनाश में और एक काल की मृत्यु होती है सर्वपुरुष की, वो एक युग बना अक्षर पुरुष का। और ऐसे 1,000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का, 1 महीना, 12 महीने का वर्ष, और इस प्रकार बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अब इसको अक्षर पुरुष को अविनाशी इसलिए कहा जो इतनी लंबी उम्र, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक त्रमाविश्य विवर्ति अवैश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसकी आयु की कोई सीमा नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा कि अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा जिसकी कृपा से तो सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम सथानम, और परम शांति को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताकर कहा कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद लौट कर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने इसलिए अपनी साधना को, अपनी भक्ति को, अपनी गति को अनुत्तम कहा है कि जन्म और मृत्यु सदा बने रहेंगे, तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, शांति कभी नहीं हो सकती, केवल उस परमेश्वर की शरण में जाने से शांति होगी। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। अब क्या बताते हैं, इतनी लंबी लंबी आयु भी हो जाती है तो भी मृत्यु होगी, अंत में तुम्हारा नाश होगा। कारण क्या है कि सतगुरु मिले ना तो सतगुरु मिले न भेंटे वो संतरे। कौन से संत? सतगुरु कौन? सतगुरु सोए सत शब्द बतावे, और गुरु कुछ काम न आवे। सत शब्द जो सच्चा नाम, सच्ची साधना बताता, वो सतगुरु। और न भेंटे वो संतरे, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जो 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में प्रमाण है जिनके विषय में, जिस कारण से इतनी लंबी उम्र होकर भी तुम्हारी जन्म और मृत्यु अशांति सदा बनी रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि समझा है तो सर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, सभी आत्माओं के जनक, ये कबीर साहब जी हैं, कबीर परमेश्वर हैं।
इनको परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये परमात्मा हम काल जाल में फंसी हुई दुखी आत्माओं को एक सहारा देने के लिए आते हैं और साथ में हमें परमात्मा यानी अपनी ही जानकारी वो देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। आप जी ने सृष्टि रचना के अंदर सत्संग सुना, हम कैसे यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, तो परमात्मा आके हमें याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर परमेश्वर जी ने हमें याद दिलाया कि तुम इस काल के जाल में फंसे हुए हो और जो तुम्हें यहाँ इस काल ने रोका हुआ है जिस आधार से, ये आपका झूठा सुख है। क्या बताते हैं परमात्मा, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल। पुण्यात्मा, पहले राजा लोग जिनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती थी बहुत खुशी मनाया करते थे और पूरी नगरी में बैंड बाजे बजवाते थे, सेनाई भेरी बाजा करती थी और राजा के लड़का होने की खुशी में पूरे बाजार में मिठाई बांटी जाती थी। अब उसी तरह की रीस नकल गरीब जनता भी करने लगी। वो बैंड बाजा तो नहीं बजवा सकती थी पुत्र होने के उपलक्ष में, लेकिन एक थाली ले लेते थे, हमारे क्षेत्र में विशेषकर थाली लेकर थाली और उसका डंडी थे जो कर घंटी बजाया कर स्कूल की न्यो बजाया करते थे, तो उससे ये पता लग जाता था आसपास में कि उनके घर में संतान होने वाली थी। थाली पीटने की थाली बजाने की आवाज़ सुनकर अंडरस्टूड हो जाता था कि उनके लड़का उत्पन्न हुआ है। अब परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि तुम यहाँ किस वस्तु को अपना मानकर उस पर खुशी मना रहे हो। एक व्यक्ति के विवाह के लगभग 12 वर्ष के उपरांत पुत्र की प्राप्ति हुई, वो स्वयं भी इकलौता पुत्र था, उसके भी 12 वर्ष के बाद पुत्र हुआ विवाह के उपरांत, घर में बहुत खुशी मनाई गई, आसपास के बहुत से व्यक्तियों को वहाँ आहार कराया गया, बैंड बाजे बजवाए, डांस कराया, खुशी मनाई, लाखों रुपए खर्च किए पुत्र प्राप्ति की खुशी में, और अगले वर्ष तक वो लड़का जीवित नहीं रहा, अगले जन्मदिन को वो नहीं मना सके, मृत्यु होगी। अब पूरा परिवार टक्कर मार रहा है, रो रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, तुम झूठे सुख को सुख कहो और ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद, ये सब काल आहार है। आज आपको बताया था, सत्संग में सुनाया गया था कि जैसे कसाई बकरे पालता है,
नर और मादा को वो छोड़ देता है उस अपने ग्रुप में, अपने एक उसने चारों तरफ से रोक रखा होता है पूरा, उसको बाड़ा बोलते हैं। और वो बकरे और बकरियां संतानों उत्पत्ति करते हैं, उनके अंदर बहुत आपस में ममता और मोह होती है और उनको वो कसाई खा जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने हमें बताया है कि ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसे सर्वपुरुष भी कहते हैं, इसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको श्राप लगा हुआ है 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, जिस कारण से ये प्रतिदिन 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों की मृत्यु कर देता है और 25% एक्स्ट्रा प्रतिदिन ये उत्पन्न करता है। अब पुण्यात्मा जो मरकर जाते हैं वो भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, जो जन्म लेने के लिए आ रहे हैं वो भी उसी रास्ते से आ रहे हैं। तो ऐसे लाइन लगी रहती है सारा दिन, जैसे कीड़ी के नाल देखा हो आपने, चींटियों की कतार होती है, लाइन होती है, लाखों चींटियां इधर भाग रही हैं, लाखों इधर भाग रही है। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा ने ये सच्चाई बताई है, हम इस सच्चाई से परिचित नहीं थे, जिस कारण से प्रारंभ में ये बातें हमें अटपटी सी लगती हैं, वो तो हमारे अज्ञान की देन है, जो हमें अच्छी सत्य वस्तु तो झूठी लगती है और झूठी वस्तु को हम सत्य मानते हैं। तो यह परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस संसारिक वस्तुओं को अपनी मानते हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हो, टेंशन बना लेते हो, मुकदमे कर देते हो। आपकी तो काया भी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, इसको भी एक दिन त्याग कर जाओगे, फिर यह संपत्ति आपकी कहां से हुई है। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। लंकापति रावण ने अपनी नगरी में सोने के मकान बना रखे थे, स्वर्ण के, गोल्ड के, सोने की ईंटें और सोने की गारा बना करके महल बना रखे थे। रावण इतना रिच किंग था, इतना धनी राजा था कि लंका की मंडियों में हीरे मोती और जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे यहाँ करनाल की मंडी में धान बिके। अब ये हिसाब ला लो, वो कितना पैसे वाला था। जिस सुख को, जिस वस्तु को हम उत्तम मानते हैं, बहुमूल्य मानते हैं, वो रावण के पास सबसे अधिक थी। और परमात्मा कहते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बारे। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भरम रहा संसार, एक ग्राम सोना भी नहीं प्राप्त हुआ। रावण जब संसार छोड़कर जाने लगा, सभी यहीं छोड़ गया और उसी के जोड़न तोड़न में ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया करता था, मैं घना धनी हो जाऊं, सिद्धियां हो जाएं। परमेश्वर कबीर जी हमें बताया करते थे, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तैने। यदि इस जीव को तीन लोक का भी राज्य दे दे,
और फिर उसको बधाई देने वाले आवे, कहते हैं लाख बधाई क्या करे, यदि नहीं नाम तने, यदि भक्ति नहीं करता है तो तीन लोक का शासक भी है वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बिगारे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, यदि भक्ति नहीं करता है यह मनुष्यधारी प्राणी, तो ये ऐसा बताते हैं जैसे राजा होता है और जो भक्ति नहीं करता उसकी क्या दशा बताई है। परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, भविष्य का विचार कर और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा बुद्धि को पर जोर दे करके सोच, उदय अस्त का राज मिले। उदय अस्त यानी जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है यानी पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए। तो बिन नाम बेगार, बेगार किसे कहते हैं, पहले हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में ये थ्री व्हीलर जाया करते थे, बड़े वाले टेम्पू स्कूटर का करते हम इन, एक स्कूटर जाता था हमारे गांव से लखन मादरा 7-8 किलोमीटर है रोहतक जींद रोड पे, रोहतक से लगभग 15-16 किलोमीटर है। वो स्कूटर वाला एक दिन नहीं आया तो उससे पूछने लगे भाई कल क्यों नहीं पहुंचा तू, क्या कारण था। वो कहने लगा कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार, बेगार क्या होती थी, पहले आज से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है, 45 वर्ष पहले की बात है। उसमें क्या करते थे ये पुलिस वाले, एक टेम्पू या जीप वाले को सुबह पकड़ लेते थे और सारा दिन इधर उधर जो भी उसने उन्हें फील्ड में कोई अपना काम करना था, किधर रेड मारनी थी, कोई चोर पकड़ना था या कोई किसी प्रकार का कोई काम करना था, उस टेम्पू वाले को ले जाते थे। और वो टेम्पू वाला सारा दिन चलने पर रहता था, उसको रुकने नहीं देते थे, अपने पल्ले से पैसे खर्चता, तेल डलवाता और सारा दिन दौड़ धूप, सुबह ले जाते शाम न मनमाना रात के 11-12 बजे छोड़ते थे। उसको बेगार कहा करते थे। बेगार का अर्थ समझो कि मेहनत तो गणी और पैसे अपने पास से खर्च करने, इनकम एक नए पैसे की नहीं, उसको बेगार कहा करते, बेगार। तो पुण्यात्माओं आज चाहे कोई करोड़पति है और चाहे कोई अरबपति है खरबपति है और चाहे कोई पूरी पृथ्वी का पति है, यदि वो भक्ति नहीं करता तो वो समझो बेगार कर रहा है, बेगार बेगार कर रहा है। अपुणात्मा एक राजा है, वो अपने पिछले पुण्य संस्कारों को प्रयोग कर रहा है, पिछले जन्म जन्मांतरों की जो पुण्य कमाई थी उसकी, जिस कारण से वो राज्य पद को प्राप्त है, अब उसको वो नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, अपना उपयोग या दुरुपयोग जैसा भी वो कर रहा है, उसको अपनी पूर्व जन्म की कमाई को ही वो खर्च रहा है और भविष्य के लिए कुछ तैयारी कर नहीं रहा क्योंकि वो भक्ति नहीं करता। और अंत में वो इस शरीर को जब छोड़ कर जाओगा उस समय खाली हाथ होगा और सारा जीवन वो बेगार कर गया, बेगार। अपुणात्माओं हम जब तक इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे तो हमें ये राजा लोग बहुत बड़े दिखाई देते थे और आज हमें ये ऐसे नजर आते हैं जैसे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, क्योंकि
परमात्मा कहते हैं कबीर जी, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धुन होवे। राम रटत कन्या भली साकेट भलो न पूत, छेरी के गल में गल थना जिसम दूध ना मूत। राम रटत दारी दर भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के झा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। जिभ्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। परमेश्वर कबीर देव जी कितनी महिमा बताते हैं भगवान के नाम की और मानव शरीर की। कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने कति निर्धन व्यक्ति, और इतना निर्धन कि उसने झोंपड़ी डाल रखी हो मकान के स्थान पर उस, और झोंपड़ी की भी ऊपर की छत यानी छान कहीं से टूटी फूटी पड़ी हो, और यदि वो परमात्मा की सत भक्ति कर रहा है वो उस राजा से भी कहीं कई गुना अच्छा है जो सत भक्ति नहीं कर रहा। राम रटत दारिद्र भला टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा के भक्ति करने वाला चाहे कोई रोगी है दुखी है, वो भक्ति करता है वही भला है, और एक दिन परमात्मा उसके दुख का भी निवारण अवश्य करेगा क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है। और जो भक्ति नहीं करते चाहे कितने सुंदर शरीर है कितना उनको ये झूठा सुख प्राप्त है, वो अपने पिछले पुनों को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ ही भलो, जिसके कोढ़ लाग रहा हो और वो भी भक्ति कर रहा है और वो सुंदर शरीर किस काम का जा भक्ति नहीं भगवान। अपुण्यात्मा परमात्मा बताते हैं कि कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुणात्मा यहाँ 90% श्रद्धालु महादुखी आए हैं, कोई शारीरिक कष्ट से कोई मानसिक कष्ट से कोई किसी प्रकार से कोई किसी अभाव से, 90% वो प्राणी हैं जो महादुखी थे, और परमात्मा की दया हुई भक्ति प्रारंभ की और धीरे धीरे आज उनको सुख हो गया। तो उनके लिए वो दुख जिस दुख के कारण वो परमात्मा की शरण में आ गए, उनके लिए वो दुख वरदान सिद्ध हो गया। यदि उन पर ये दुख ना आता वो परमात्मा की खोज नहीं करते, परमात्मा के लिए नहीं चलते, तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे भाड़ में जाओ, ऐसा सुख जिस तरह भगवान की भूल पड़े। सुख के मत है सला पड़ो
पत्थर लगो इसे सुख के, जो नाम हृदय से जावे और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं कि तुम इस गणे सुख की जो है ना चाह मत करियो, ये झूठा सुख यहाँ का जीव का शत्रु है। और परमात्मा थोड़ा बहुत कष्ट होता तो हमारे ही कर्मों का, क्योंकि हमारे कर्मों का अंत नहीं, पाप कर्म युगों युगों के ढेर लगे हुए हैं। वैसे तो परमात्मा इन सभी पापों को काट देगा, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट हमारे ऊपर बना रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम भगवान ना बोले, और ऐसी व्यवस्था प्रभु अवश्य रखेगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बला ना पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। अब जो कितनी प्यारी आख्या दी है कबीर भगवान ने कि जो लड़की बेटी, अब हमारे समाज में एक विशेष कमजोरी रही है और अब भी बहुत है कि हम बेटे और बेटी में बहुत अंतर मानते रहे। हम पुत्र की प्राप्ति पर तो थाली पीटें, बधाई बांटा, बंडा और करा के उदमस्तार दें, नाचों और गाँव, और बेटी हो जा मुंह लटका के बैठ जाए। हमारी ऐसी व्यवस्था थी। इसका कारण क्या था कि नकली गुरुओं ने समाज में ऐसी धारणा फैला दी कि बेटे बिना मुक्ति हो को ना, मोक्ष बेटे से होता है। और उधर से बेटी की ऐसी दुरुक्ति कृति दहेज का कारण बना के, तो हम बेटियों में और बेटों में गणांतर मानन लागे। ये भी हमारी महाकमजोरी और भूल है, क्योंकि हम सारी उल्टी रीति अपना रहे हैं जो हमें दुख दुख दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकती। अब जैसे बेटी का विवाह कर दिया और बेटी ने नाम ले रखा है, वो अपने जीवन रूपी सफर में बेटी चलेगी तो परमात्मा उसके ऊपर आने वाली आपत्तियों को खत्म कर देगा, बेटी को दुखी नहीं होने देगा। अब बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी भक्ति ठीक से कर सकेंगे, क्योंकि बेटी दुखी होगी तो माता पिता भी टेंशन में हो जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकट बला नपूत, और छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध नमूत। कहते हैं वो साकट बेटा, साकट उसे कहते हैं जो स्वयं भक्ति स्वयं भी नहीं करे और जो उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में है, अधीन है, उनको भी भक्ति नहीं करने देता। अब पुत्र युवा हो जाता है, भक्ति वो करता नहीं, तो उसके जीवन में भी दुख आएंगे, क्योंकि यहाँ तो सुख और दुख दोनों का मिश्रण करके प्रारब्ध बना रखा है। अब वो पुत्र जो भक्ति नहीं कर रहा, वो तो माता पिता भक्ति कर रहे हैं तो उनमें बाधक बनेंगे, क्योंकि कभी उस पर कुछ आपत्ति आ रही है, कहीं पर कुछ कबाड़ा कर रहा है वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं वो भक्तिहीन बेटा, इस प्रकार माता पिता के वजन है उसके ऊपर जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका करती है, ना वो दूध होता उसमें ना वो किसी अन्य काम आती है। अर्थात फजूल का व्यर्थ का बोझ गल में लटका हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं नाम रटत कन्या भली साकट भला न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। वो एक अन्य का काम नहीं आता और खाम खां का वजन गल में लटक रहा है, ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता उन माता पिता के लिए जो भक्ति कर रहे हैं। अब परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख का ही को होए। सुख में सुमरण किया नहीं दुख में करते याद, कह कबीरता दास की,
अब कौन सुने फरियाद, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। परमात्मा कबीर देव जी बताते हैं कि मृत्यु तो तुम सबकी होगी, लेकिन मृत्यु मृत्यु में बहुत अंतर होगा। जो भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनकी बहुत दुर्गति होती है, और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जंजीरों से बांध कर ले जाते हैं, जैसे पुलिस वाले अपराधियों को बीड़ी हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं। और जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा जहाज में बैठा कर, सिंहासन पर बैठा कर ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम साधना करो, भक्ति करो। क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भीत पवन का खंबा, कबलग खैर मनावेगा। बालू की भीत पवन का खंबा, कबलग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू, राम कहन ना पावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू, राम कहन ना पावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, ये बोझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुम कबीला, सारा ए खड़ा लखावेगा भाई। मात पिता तेरा कुटुम कबीला, सारा ए खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछे पछतावेगा। धर्म राज तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। धर्म राज तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंब से बंधा जागा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंब से बंधा जागा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, या धरा ढक्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करणी के फल पावेगा। हाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अब परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि तुम्हारा ये शरीर
इतना वीक है, इतना कमज़ोर है जैसे बालू रेत। राजस्थान साइड में ज़्यादा होते हैं टीपा रेत, टीबा सैंड बोला उसे कहते हैं, उसकी कोई दीवार बना दे एक दो फुट की और वो इतनी कमज़ोर होती है किसी पशु के पैर लग गया तो गिर जा, वर्षा आवे तो कट के गिर जा, तेज़ हवा चाल ले उसकी स्कोरिंग होकर के वह ख़त्म हो जा। के बालू की भीत और पवन का खम्बा, ये शरीर आपका इतना कच्चा मटेरियल है और इस श्वास से ये खड़ा है, सपोर्टेड है। और कहते हैं इसमें कब तक तू जीना चाहता है, कब तक खैर मनाओगा इसकी है? अब हम पुण्यात्माओं ये शरीर हमने कितना प्रिय लगा है। अपने जीवन रक्षा के लिए कोई रोगी अपनी सारी संपत्ति को बेचकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है कि किसी प्रकार मेरा जीवन बच जावे। अब परमात्मा कहते हैं तू कब तक बचना चाहता है इसमें। अब परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं इसमें तू कब तक जीवित है, कब तक रहना चाहता है, इसका ये है क्या? हम कभी इतनी सोच नहीं करते, इतना विचार नहीं करते, हमें इतना समय नहीं छोड़ रखा काल ने, हमारे अंदर इतने विकार कुबद भर रखी हैं। ये शरीर हमारा कैसा है, जैसे आपने सड़क के ऊपर कभी दुर्घटना में कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो और उसकी आंत पड़ी होती है कहीं पर, कम से कम भी एक दो फुट तक लंबी, चार चार फुट तक लंबी, और उसके शरीर का चाम सड़क पर चिपका हुआ होता है, हार्ड अलग से पड़े हैं, रक्त बह चुका होता है। ये मटेरियल आपके अंदर है और उस कुत्ते मरे हुए को देखकर हम नू मुँह कर लेते हैं, हमें वो कितना अभद्र लगता है, बूढ़ा लगता है, और उसी के अंदर हम लिपटे पड़े हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं तुम, आप ये कहते हो हे भगवान मेरी रक्षा करना, मैं मर ना जाऊं। कबीर साहब कहते हैं मुझे यह चिंता है कि तुम जी कैसे रहे हो, इसमें तुम जीवित कैसे हो, तुम डर रहे हो मर ना जाऊं, और मुझे यह चिंता है तुम जीवित कैसे सांग में, इसमें क्या है ये हार्ड फंसा रखे बीच में, ऊपर का चाम लपेट दिया, बीच में नाड़ी और मांस भर दिया, इसमें थूक टट्टी पेशाब बलगम पता नहीं के के ठोक रखे। अब परमात्मा कहते हैं इस शरीर को अब ये पांच तत्वों से बना हुआ तुम्हें मिला है और आप इससे के हार श्रृंगार में लगे रहते हो, इसी की सुरक्षा और व्यवस्था में लगे रहते हो, या नालायकी बताई। इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, ये इतना अच्छा भी है यदि इसका सदुपयोग किया जाए, अन्यथा क्या होगा? आजम तेरे घटने गेरे तू राम कहण ना पावेगा। अंत समय जब मृत्यु होती है भक्तिहीन प्राणी की, काल के दूत सूक्ष्म रूप से अंदर से उसकी जुबान खींच लेते हैं, जुबान पकड़ लेते हैं, कहीं ये नाम जाप ना कर ले भगवान का। कहते हैं फिर तने कोई कवाना चाहो ना, राम बोल या कोई मंत्र बोल, नहीं बोल सकता, वो तो पहले अभ्यास करना पड़ेगा उस भगवान के नाम जाप ते, वो यम के दूत आसपास भी को नहीं आओ, फिर उसमें इतनी शक्ति होती जैसे ऑल आउट के निकट मच्छर नहीं आ सकते, और जिसने आल आउट लगा रखी उसके तो कान पर लड़ा करें। तो भक्ति रूपी आल आउट जिसने नहीं लगा रखी उसको तो यम के दूत दुर्गति करके मारेंगे। काल बलि तेरे सिर पर बैठा ये बोझा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ये खड़ा लखावेगा। कहते हैं काल जब तेरा आओगा तुझे लेने के लिए कोई नहीं बचा सकता, तेरी बाजू पकड़ कर ले जाएगा, नहीं सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर के अंदर ऐसा ही एज इट इज। और कहते हैं उस
पकड़ कर बाजू तेरी खींच ले जाएगा, इस कवर से निकाल ले जाएगा तेरे को, और मात पिता तेरा कुटुम कबीला सारा खड़ा देखता रह जाएगा। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। अपनात्मा, यहां तो किसी को आप कहते हो कि चलो सत्संग में, बरवाला सत्संग में चलो, किसी मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को, तो वो कहता है अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, फिर कभी चलेंगे। और परमात्मा कहते हैं कि जब धर्मराज के दरबार में तेरा अकाउंट होगा पुण्य और पाप का, फिर वहां के बात बनाएगा। लाल खंभ से बांधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। पुनात्मा, हम यहाँ जिस भी समाज को, परिवार को, रिश्तेदारों को अपना माने हुए हैं, और हम मानते हैं कि हमें कोई आपत्ति आती है तो हमें सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब संसार छोड़ कर जाएगा तब तेरे साथ कोई नहीं होगा। तो वहाँ आपको गर्म खंभों से, लोहे के गर्म पिलर जलते हैं अपने आप, उनसे बांध दिया जाएगा। कहते हैं बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। अब पूरे सतगुरु, पूरे गुरु से उपदेश प्राप्त है तो परमात्मा उस गुरु के रूप में वहां जाते हैं और अपने बच्चे को, अपनी आत्मा को वहां से छुटवा लेते हैं। किनको? जो किसी गलती से, किसी कारण से वो काल के दूतों के हाथ लग जाता है। एक भक्त कह रहा था, जी मैं रात्रि में सो रहा था और रात को मुझे, वो तो सुबह उठने के बाद पता चला कि के कहानी बनी मेरे साथ, मेरे को दो यम के दूत आए, मुझे ले गए और मैं उनसे कह रहा हूँ भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो, कि चलो तेरा हिसाब किताब होगा, धर्मराज ने बुलाया है। अब मुझे याद आ गया कि हम परमेश्वर कबीर जी के उपदेशी हैं, गुरु जी से हमने नाम ले रखा है, और गुरु जी कहते हैं कि हमारा हिसाब किताब यहाँ का धर्मराज नहीं ले सकता। तो मैंने उनसे अपनी बाजू छुटवा ली झटका मार के, कहने लगे भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो मेरे को, हमारा अकाउंट नहीं कर सकता तुम्हारा धर्मराज। अब वो मुझे पकड़ेर, मैं उन धक्के दूँ, गुट्टम गुट्टा हो गया। और मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ बिल्कुल भी। उनमें से एक ने बोला भाई तू यहाँ खड़ा रहे, छेड़ा ना इसने, और मैं जाता हूँ धर्मराज के पास। वो गया धर्मराज के पास और धर्मराज से कहा जी वो नहीं आ रहा है, हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहा है, और वो कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे नाम ले रखा है, तुम मुझे ला नहीं सकते, तुम मेरा अकाउंट नहीं कर सकते। ऐसी क्या बात है, जब धर्मराज ने कहा रहा कित पकड़ लिया इसने, इन्हें छोड़ दो वापस, जहाँ से लाए वहीं छोड़ दो। तब वो आया वापस, कहने लगा भाई छोड़ दे इसने, ये तो बुरी बला है। तो कहते फिर मैं ऊपर से जैसे पटक दिया किसी ने और नीचे एकदम ऐसे उदड़क के मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा और हाथ पैर ऐसे कंडम हो रहे जैसे उठे नहीं उठाना चाहूं था। अब वह तो पक्का काम करके गए थे, शरीर क्रिया बंद होगी, उसमें सर्कुलेशन भी कम हो गया। तब उसने कहा कि ओहो सचमुच आज तो मेरी मृत्यु होगी थी। तब धर्मराज ने कहा था कि भाई मेरे कागजों में इसकी आज तक की उम्र थी, लेकिन ये भी बढ़ गई, छोड़ दो इसने। अब परमात्मा कबीर देव जी कहते मासा घटे ना चल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मार दे मेख। जब तक आप पूर्ण संत की शरण में नहीं आते हो तब तक आपकी जितनी भी आयु है उससे एक श्वास ना घट सकता ना बढ़ सकता।
और जब अपूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की शरण में, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, इस यानी परम संत उसके नॉमिनेटेड संत के माध्यम से आते हैं, तो फिर आपके ऊपर ऐसी आपदाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। अब कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद का गुण गा। कबीर साहब जी हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा शरीर समय आने पर सबका जाएगा, मृत्यु होगी, और सके तो ठाहर ला। अब ठाहर किसे कहते हैं? अपुणात्मा पहले पुराने समय में हमने देखा था, कच्ची छत होती थी उड्डन बैटन की, यानी लकड़ी की कड़ियों की छत होती थी, और एक बीच में उनका उड्डन बीम होता था जिसे सैतीर कहते हैं। कई बार क्या होता था कि या तो कोई कड़ी टूटन न हो जाती, या सैतीर के अंदर कोई क्रैक आकर वो बैंड हो जाता था, जैसे छत पूरी गिर जावगी, और उसके नीचे एक सपोर्ट दे देते थे मोटी कड़ी या अच्छे मोटे लकड़ की, नीचे पक्का करके मजबूत सा, और उसके ऊपर एक पत्थर रख के, और उसके ऊपर कड़ी अरनो फंसा देते थे उसके नीचे टेढ़े मेढ़े करके उसको, और फिर वो या तो उसी एक दो दिन में गिर जाना थी वह छत, फिर उस सपोर्ट के लग जाने से, ठाहर के लग जाने से वो मनमाने 20 वर्ष और ना पड़े, 20 वर्ष और छत जो का तो काम कर देती थी। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। आपका जीवन जैसे किसी का 40 वर्ष का है, तो उस दिन वो जागा, लेकिन आपने ठाहर ला ली, यानी कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली, सत भक्ति प्रारंभ कर दी, तो फिर वो उस सच्चे नाम की, सत नाम की, सच्ची भक्ति की वह सपोर्ट लगी, फिर मनमाने 40 साल और दे दिया आपको भगवान। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति से होने वाले बेनिफिट से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, और तब रुचि बनेगी भगवान की तरफ, तभी इसकी चाह बनेगी, और अब हमने वो परमात्मा मिल गया। अब जैसे आप सत्संग में सुन रहे हो, सुबह भी सुना था कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी हैं, ये भी नाशवान हैं, ये हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अपुणात्मा जैसा इस शब्द में आपने सुना परमेश्वर कबीर जी की अमृत वाणी, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा और बालू की भीत पवन का खंबा कबल खैर मनाओगा। आजा बंदे शरण राम की। अब जब भी हम राम नाम कहते थे कि राम नाम भाई भगवान ये करे, परमात्मा ये कर देता है, राम ऐसा कर देता है, तो हमारे माइंड की सुई, हमारा ध्यान भगवान श्री रामचंद्र जी पे जाता था कि ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब दुखों का निवारण कर देते हैं, यानी विष्णु भगवान कहो चाहे श्री रामचंद्र जी कहो या श्री कृष्ण जी कहो, तो हम ये सोचा करते थे कि ये भगवान हमारे दुखों का निवारण करते हैं, ये समर्थ शक्ति है। अब हमने राम की परिभाषा समझनी पड़ेगी, प्रभु की परिभाषा समझनी पड़ेगी, और हमने उन राम में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से राम की शरण में जाना है। अब जैसे ये श्रद्धालु कहते हैं, कोई प्रश्न करता है आचार्यों से, गुरुओं से, मंडलेश्वरों से कि क्या श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी हमारे पापों का नाश कर सकते हैं, क्या वे जो श्राप दे दिया जाता है एक दूसरे को तीन ताप के अंतर्गत,
क्या हमारे उन तीन तापों का वो नाश कर सकते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी हमारे सब पापों का नाश कर देते हैं। और प्रमाण के लिए कहते हैं गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को बोलते हैं कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भवमोक्षामि मा शुच। पहले तो उनको ये पता नहीं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सर्वपुरुष बोलता है। और व्रज का माने आना नहीं होता, जाना होता है। अब गीता ज्ञान दाता सर्वपुरुष है, ये ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता एकम। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उसकी शरण में जा। उसकी शरण में जाने से फिर तू मेरे सत्र की जो पूजाएं हैं मुझे छोड़ दे, ये ब्रह्म कहता है। फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते गधे सूअर यानी कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपना कर्जा चुका लूंगा। तो यहाँ पुण्यात्मा विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी अपने श्राप को, अपने पाप को, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सके, नाश नहीं कर सके, उपासकों का कैसे कर देंगे वह? जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, और ये श्राप दिया था कि नारद जी के मन में विवाहकरण की प्रेरणा होगी, और उस देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था, और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी, और राजा लोग बैठ जाते थे वहाँ सामने आके। नारद जी ने विवाह कराने की सोची, और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा है इतनी मोटी छोटी सिर पर, और शकल भी ठीक को ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूँ। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने विवाह करवाना है, और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूँ, मुझे आप हरि रूप चाहिए, मुझे हरि रूप चाहिए, अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे। श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का, हरि माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे सुंदर कोई नहीं सभा में, और जाकर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेके, सामने देखा बालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर है। वहाँ से उठकर एक और खाली चेयर थी दूसरे तो वहाँ जा बैठा। जो वहाँ से भी लड़की आगे निकल गई, नारद जी कहने लगे भाई यह अंधी है क्या? और दूसरे तो बोला, साथी ने उसको यो दिखा दिया दर्पण, अब देख अपनी शक्ल तो देख ले, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शक्ल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आ गए, और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है, जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूँ, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाओगा।